हेलो दोस्तों, हम सभी ने अमिताभ बच्चन की चकाचौंध से भरी जिंदगी देखी है, पर हमें उनके जीवन के उस हिस्से के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता जब ये बर्बादी के एकदम नजदीक पहुंच गए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी कंपनी बर्बाद हुई थी तब उसके साथ साथ उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ये बात 90s की है, जब एक तरफ वो बीमार थे और दूसरी तरफ उनकी कंपनी डूब गई। उन्होंने अलग अलग लोगों और कई इंस्टीट्यूशन से ढेर सारे कर्ज ले रखे थे। कंपनी के बर्बाद होते ही सभी रोज उनके यहाँ कर्ज के वसूली के लिए पहुंचने लगे थे। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उस समय उन पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था और कम से कम 55 केस उनके नाम थे। ये अमिताभ बच्चन के जीवन का सबसे मुश्किल समय था, लेकिन बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म मोहब्बतें ऑफर की और दूसरी तरफ टीवी पर उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में भी काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके मुश्किल के दौर धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की ये कहानी आपको पता थी या नहीं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।